भिलाई टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ 1 मार्च 2019 से देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है। हाफ बिजली बिल योजना के 80 करोड़ न मिलने के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के आला नेता मौजूद हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप वासियों को बिजली बिल का योजना का लाभ मार्च 2019 से मिलना चाहिए, उसको लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और विधायक द्वारा भिलाई टाउनशिप वासियों को पिछले 4.5 सालों से गुमराह करने और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के विरोध में विशाल धरने का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और भिलाई के विधायक ने झूठ बोलकर भिलाई टाउनशिप के बीएसपी से संबद्ध घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना के लाभ से वंचित रखा और अब चुनाव नजदीक आते देख सितंबर 2023 से इस योजना को यहां लागू कर दिया। इस बारे में दोनों ने ही जनता के सामने सीएसपीडीसीएल को हैंडओवर करने पर ही योजना का लाभ मिल पाने का झूठ परोसा। हमारी मांग यही है कि जब मुख्यमंत्री सितंबर 2023 से इस योजना को लागू कर सकते हैं तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की तरह मार्च 2019 से क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 से योजना लागू होने पर टाउनशिप से 28,000 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 80 करोड़ व प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि उन्हें आगे लगभग 2 वर्षों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मार्च 2019 से इस योजना का लाभ भिलाई टाउनशिप वासियों को देने की मांग की थी। यह विशाल धरना भिलाई टाउनशिप वालों के साथ विधायक और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 80 करोड़ रुपए की लूट की गई है उसके विरुद्ध में पूरे 4-5 साल तक लगातार झूठ बोलते रहे कि जब तक सीएसपीडीसीएल को बिजली सप्लाई ट्रांसफर नहीं होता टाउनशिप वासियों को नहीं मिलेगा। आज जब चुनाव आया तो मात्र 2 महीने के लिए सितंबर से वो लागू कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश के लोगों को जो 1 मार्च 2019 से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, उसके अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को जो लगभग 30,000 रुपये का बनता है वो उनके खाते में दे दिया जाए, वो उन्हें वापस किया जाए, ये योजना 1/3/2019 से लागू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।